हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल इन 4 आवर चार्ट कंटिन्यूअस हायर हाई पॉइंट बना के ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस हायर पॉइंट, सो नेक्स्ट प्रीवियस हायर पॉइंट ये है और नेक्स्ट हायर पॉइंट अभी क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट हायर पॉइंट अराउंड 4142 के आसपास रहेगा, जिसे आप देख सकते हैं। क्यों मुझे यहाँ तक मतलब मैंने टारगेट सेट किया है, जो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट जैसे हायर सॉरी मार्केट जैसे यहाँ पे हाई पॉइंट किया तो यहाँ तक गया, फिर से रिट्रेस किया। तो क्यों लगता है मार्केट 4142 तक जा सकता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस लाइन, दो कन्फर्मेशन लिया है रेजिस्टेंस लाइन के लिए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट कन्फर्मेशन था, मैंने डेली लिया। डेली देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज है, राइट 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जैक्टली 4142 में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा हुआ है। और प्रीवियस आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब 4 to 5 days ऑलमोस्ट 4 days ट्राई किया था यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मैंने और एक कंफर्मेशन लिया, जिसे 1 आवर में फॉर 1 डे में भी आप देख सकते हैं हायर पॉइंट दोनों हायर पॉइंट को कनेक्ट करके एक डायगोनल मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो वहां पे जाके स्ट्रॉन्गली दोनों एक ही साथ में टच हुआ है, तो से कंफर्म होता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ तक ही जा सकता है। कहाँ तक, जिसे 4142, दिस इज आवर लेवल, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आवर में भी, 4 आवर मैंने जैसे ड्रॉ किया तो सिमिलरली एक ही जगह में दोनों एक साथ में ही है, राइट। तो अगर हम देखेंगे आज ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बाउंस हो रहा है कहाँ से, तो ये पहले हुआ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कहाँ पे 15 मिनट में हुआ, राइट। तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, फिर से रिट्रेस किया कहाँ तक, 150 तक। ये 150 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट। तो यहाँ से बाउंस हुआ और आज देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो जो गैप था इसको फिल अप करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये ज्यादा से ज्यादा 50 मूविंग एवरेज जो प्राइस है अराउंड 4000 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, राइट। तो मार्केट अगर नीचे मिले तो कॉन्सेशन प्राइस जो होता है, तो सॉरी डिस्काउंट प्राइस, तो हमें पता है मार्केट अप ट्रेंड है, तो इससे हमें क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है डिस्काउंट, राइट। दैट मीन्स दैट मीन्स लाइक प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है, जो हम बोलते हैं उसको रिट्रेस किया, मतलब वो डिस्काउंट है, राइट। जिसका प्राइस ऊपर जाने वाला है तो अगर नीचे आया तो उसको बोलते हैं हम डिस्काउंटेड प्राइस, राइट, डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ से देख सकते हैं हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिला हुआ है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस ऊपर गया, अगर नीचे आया तो डिस्काउंटेड पर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्राइस बाय कर सकता है और एसएल जस्ट बिलो 200 का नीचे लगा सकता है और नेक्स्ट टारगेट अराउंड 4100 का आसपास आप ले सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।